हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई जल्दी से अगर वीडियो लाइक कर लो, वीडियो लाइक करके 25,000 जल्दी से अगर इसको पूरा करा दे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हमारे प्यारे ड्राइवर ने मेकर के लिए काम किया था, जिसके लिए मतलब भाई हमें कुछ ट्रक्स में बहुत सारे वेपन्स जा रहे थे। हमें ये पता चला था वो एंथनी के वेपन्स थे। पहले हमने उसको खत्म किया, टेक्नो को बचाया भाई, अपना टेक्नो को बंदों ने पकड़ के रखा हुआ था। एंथनी के बंदे थे वो, हम गलत निकले, वो एंथनी के बंदे नहीं थे। फिलहाल हमने सोचा था थे, बट वो नहीं थे भाई, बाद में हमें कंफर्म होगा। फिर हमारे खबरी ने, टेक्नो ने अपने खबरी के पास जाकर के पता किया कि आखिर भाई ये सारा का सारा काम किया किसने। तो इससे खबरी ने इसको बोला कि मेरे प्यार टेक्नो सर एक बंदा है। फिर ये बंदे से मिलने के लिए गया और बंदे ने बोला भाई मैंने तेरे को किडनैप नहीं किया, तेरे को गलत खबर मिली है। तो फिलहाल यही सारी चीजें हुई थी। और भाई फिलहाल बाद में क्या हुआ ना, जब टेक्नो बाइक लेकर के उस घर से निकला तो पता है सामने एक बंदा ना, जैसे आप देख रहे होंगे मैं इसको फॉलो करते आ रहा हूँ, ये बंदा लिमोजिन में जा रहा है। और ये लिमोजिन में ना जो नंबर प्लेट लिखा हुआ है भाई, उस नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है साफ साफ एंथनी। इसीलिए टेक्नो इसको फॉलो करता करता यहाँ पर पहुंचा है। चेक करते भाई आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल भाई वो बंदा ना घर के अंदर अपनी गाड़ी को लेकर के चला जा चुका है, लिमोजिन है। और मेरे को लगता है शायद से घर के अंदर काफी गार्ड्स भी है, तो इसलिए भाई जल्दी से चेक करना पड़ेगा। देखो टेक्नो इसको फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि नंबर प्लेट पे एंथनी, ऐसा नंबर बंदा क्यों लेगा शहर में? आपको पता है स्पेशल अगर आपको नंबर लेना है तो आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे उस नंबर को रजिस्टर करवाने के लिए। कभी भाई हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ ना? टेक्नो हो गया, अपना कैरी हो गया और अपना ट्रेवर, ये तीनों ना काफी टाइम से एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम एंथनी है, काफी टाइम से। और ये जिसको ढूंढ रहे हैं, क्या पता वो लॉस सैंटोस में ही हो और भेस बदल के रहता हो इनकी तरह, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो टेक्नो के इसीलिए दिमाग में भाई ये बात आई है, कभी एंथनी भी लॉस सैंटोस में ही हो और इसको बाहर ढूंढ रहे हो, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो एक काम करता हूँ टेक्नो, देखो यार हम डायरेक्ट घर के अंदर तो नहीं जा सकते, टेक्नो एक काम कर मास्क पहन ले फटाफट से। तो फिलहाल मास्क पहनने के बाद ना भाई हम सामने वाले घर में चलते हैं और सामने वाले घर से मैं इस घर को देखूंगा तो मेरे को काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आखिर कौन है ये बंदा, अभी पता चल जाएगा। तो भाई जल्दी से घर के अंदर चलते हैं, मास्क मैंने लगा लिया है। कोई सामने वाला बंदा अगर इस घर में होगा भी उसको दोमड़े में घूसा मार करके सीधा कर देंगे। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से कर लीजिए, मैंने आपको लाइक से बता दिया। अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दो। अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया जाकर चेकआउट कर लीजिए, मैं उस पर जीटी का वीडियो डालता हूं जल्दी से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसका आप चेकआउट बाद में कर लेना। तो फिलहाल चल भाई टेक्नो भाई, अभी तक फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है रास्ता बिल्कुल साफ है, घर पर कोई भी नहीं है। ये है वो पड़ोसी घर जिस वाली लिमोजिन बंदा लेकर गया है, तो अभी पता करेंगे। अरे रे एक बंदा यहाँ पर है और इससे पहले ये बंदा शोर मचाए, पीले पीले बीड़ी पीले, ये ले बेटे खत्म भाई। अरे रे अरे रे अरे रे, किसी को शक तो नहीं हो रहा, ऐसा लगा भाई जैसे यहाँ पे कोई आ रहा है। फिलहाल चलिए मैंने इसको बेहोश कर दिया है, बहुत ही बढ़िया बात है। अभी आसपास और कोई तो नहीं ना, कोई टेंशन नहीं भाई, आसपास और कोई बंदा नहीं है। तो टेक्नो एक काम कर भाई, ये ना दीवार मेरे को छोटी लग रही है, इस पर चढ़ जाते हैं आराम से, बस बस टेक्नो भाई ओके। तो फिलहाल अभी काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ फर्स्ट पर्सन में मैं आ चुका हूँ। तो भाई देखो शायद से जो लिमोजिन बंदा जा रहा था ना, वो सामने की तरफ सिगरेट खड़ा होकर के पी रहा है। फिलहाल गाड़ी शायद से इस तरफ खड़ी हुई है, हम उसको देख नहीं पाएंगे, वो गली में है, मतलब छोटी वाली जो घर के अंदर आती है। तो भाई स्नाइपर निकाल करके ही मैं, एक अच्छा ऑप्शन ये है, मैं इसको देख सकता हूँ। तो फिलहाल मैं थोड़ा कोने में आ जाता हूँ, क्योंकि अगर बंदा ने मेरे को देख लिया ना तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और फिलहाल मैं बाकी बाद में बताऊंगा ट्रेवर को और कैरी को इस चीज़ के बारे में कि भाई एक बंदा जिसको हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं ना, मुझे लगता है वो यही है। ओके भाई तो ये है वो बंदा। देखो आप आज तक हम लोगों ने कभी भी इसको नहीं देखा, एंथनी को हमने नहीं देखा, तो अभी बस पता ये लगाना है कि ये वही एंथनी है या नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं काफी टाइम से। तो फिलहाल आप लोगों ने इसको देख लिया, अपने टेक्नो ने भी देख लिया। तो टेक्नो एक काम कर चल भाई, अब यहाँ से निकलते हैं और मैं फोन करता हूँ ट्रेवर को और कैरी को दोनों को कि भाई मैं ना घर वापस आ रहा था एक बंदे से मिल करके जिसने मेरे को किडनैप करा था, उसने फिलहाल मना कर दिया। तो मैंने रास्ते में एक लिमोजिन देखी एंथनी नाम की, मुझे ऐसा लगता है कि ये वही तो नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं काफी टाइम से। भाई मैंने ट्रेवर को सारी सारी बातें फोन करके बोल दिया, ट्रेवर इस वक्त भाई मुजरापुर में है कैरी के साथ में, तो फटाफट से वहीं पे निकलता हूँ, वहीं पे उन दोनों ने मेरे को बुलाया मिलने के लिए, चलो मुजरापुर में निकलते हैं, ये दोनों भी ना नहीं सुधरने वाले। तो फिलहाल वहीं पर है, जा करके उनसे बातें करता हूँ, सारी बातें वहीं पे शेयर करता हूँ, फिर देखते हैं ट्रेवर क्या बोलने वाला है। भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने मुजरापुर में, तो फिलहाल ना मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को दोनों के दोनों भारी खड़े हुए दिख गए हैं। मैंने सोचा अंदर की तरफ है, शायद से अंदर से ही बाहर आ गए होंगे। तो टेक ना भाई बाइक कहीं पे खड़ी कर, चलिए जल्दी से इनसे बातें शेयर कर लेता हूँ सारी सारी एंथनी के बारे में, हर चीज के बारे में, क्योंकि फोन पे इतनी ज्यादा बातें नहीं है। मास्क उतार दे भाई टेक्नो, भी कोई भी इसकी जरूरत नहीं है। तो फिलहाल चलिए भाई हमने मास्क उतार लिया, तो ट्रेवर को सारी बातें शेयर करता हूँ। भाई टेक्नो से सारी सारी बातें हो चुकी, टेक्नो ने सारी सारी बातें बता दी ट्रेवर को। तो फिलहाल भाई एक स्ट्रेटेजी ये आती है, कैरी एक काम कर यार, तू जाकर के सारी चीजें पता कर हमारे इस एंथनी के बारे में, क्योंकि यार देखो अभी हमें दोनों को एक जगह पे जाना है, मैं टेक्नो को अपने साथ में लेकर के जाऊंगा क्योंकि वहां पे जाकर के छोटा सा इंपॉर्टेंट काम करना है और वो काम यार थोड़ा रिस्की है, इसलिए हम दोनों जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल ठीक है टेक्नो, तू यार मेरे साथ चल, जब तक कैरी फूफा जी आराम से ऐसे खड़े मत रहो,
जल्दी से जाओ और पता लगाओ आखिर ये एंथनी असली वाला है नकली वाला, अभी पता चल जाएगा टेक्नो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, सारी चीजें ये पता कर लेगा, हम दोनों को मीटिंग में जाना है। चल भाई टेक्नो आ जा फटाफट से, इस गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं, आराम से मीटिंग करने के लिए निकलते हैं, ठीक है कैरी? जैसे भी कुछ होगा मेरे को फोन करके बता देना, और तू टेक्नो की बाइक ले जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे टेक्नो अपनी बाइक चलाने देता नहीं है फिलहाल, तो भाई देखते हैं, अभी इसने कुछ बोला नहीं है, तो अभी हम लोग भाई पता है कहाँ पर जा रहे हैं, बाकी चीजें कैरी कर लेगा, वो संभाल लेगा। हम दोनों जा रहे हैं, आपको याद है कल मैंने काम किया था मेकर का, हमने वेपन्स लूटे थे ट्रक के, वो वेपन्स बिक चुके हैं। बिकने के बाद ना पता जिस क्लाइंट के लिए हमने काम किया था वो बंदा ना भाई फिलहाल अभी उसने पैसे मतलब कैश में नहीं दिए, पता नहीं मेकर को कैसे दिए नहीं दिए तो मेरे को नहीं पता, बट मेकर ने मेरे को बोला है भाई वो तुझे कैश में पैसे नहीं दे रहे, वो तुझे गोल्ड दे रहे हैं, तो जा करके जगह पे ले ले, इसलिए भाई मैं अभी गोल्ड लेने के लिए जा रहा हूँ जगह पे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, हम तो गोल्ड से भी काम चला लेंगे, तो बंदे मेरे को गोल्ड देना चाहते हैं मेरे काम के बदले में, जो भी भाई हमारा नया क्लाइंट है। चलिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है, फटाफट से निकलते हैं। तो मैं इसलिए टेक्नो को साथ में लेकर के जा रहा हूँ, देखो भाई अभी हम डिग्गी में सारा सारा सोना डाल करके लाएंगे, एक तो ये रिस्क भाई रास्ते में हमला हो जाए, पुलिस वाले चेक कर ले, देखो हम भी पुलिस वाले हैं, बट अगर किसी पुलिस वाले ने हमारी तलाशी ले ली तो हम पकड़े जाएंगे इल्लीगल सामान यहाँ वहाँ पे ले जाते हुए, एक ये टेंशन, और दूसरी टेंशन क्या है कोई दुश्मन हमला कर दे और जिनसे माल लेने के लिए जा रहे हैं क्या पता वही धोखा कर दे, इसलिए बैकअप काफी अच्छा होता अपने साथ में ले जाना। तो फिलहाल चलिए टेक्नो रेडी हो जाए भाई, वेपन्स वगैरह निकाल ले, अगर छोटी हुई प्रॉब्लम हुई तो उनको सीधा करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हथौड़े भैया की गाड़ी है, हथौड़ा भैया भी कमाल करता है, निकलते भाई जल्दी से जगह पर। भाई मैं और टेक्नो ना जगह पर पहुंच चुके हैं, मुझे तो यार कुछ गड़बड़ लग रही है, इन बंदों के इरादे कुछ ठीक नहीं है। देख रहे हो भाई मिलने के लिए कौन सी जगह पर बुलाया है, मतलब बिल्कुल सुनसान एरिया पड़ा है, ना बंदा ना भाई मतलब कोई भी नहीं है, पूरा खाली एरिया है। अगर 1% उनकी नीयत खराब हो गई, उन्होंने गोली चलाई, तो यहाँ पे तो दूर दूर तक आवाज भी नहीं जाने वाली, मर्डर करने के लिए बहुत बेस्ट जगह है ऐसी जगह मीटिंग। दाल में काला है कोई बात नहीं, जितनी भी दाल काली होगी हम उसको सफेद कर देंगे। तो फिलहाल चलिए भाई, ओके बंदे मेरे को दिख गए, आ जा टेक्नो भाई आ जा, बंदे दिख चुके हैं, चल मीटिंग कर लेते हैं, और सोना भी है तो लगता है भाई चीटिंग तो नहीं होने वाली। आ टेक्नो आ जा, बंदों से बातें कर लेते। तो फिलहाल हेलो बॉयज, 1, 2, 3, 4, 5 बंदे हैं फिलहाल, कोई टेंशन नहीं, आराम से मार सकते अगर 1% इन्होंने धोखा देने की कोशिश करी। चलो इनसे बातें करता हूँ, हेलो भाई, चलो एक काम करो फटाफट से सोना सारा सर गाड़ी के डिक्की में रख दो, डिक्की ओपन है कोई टेंशन नहीं, ऐसी खुल जाएगी, आप सामान रख दो। इतनी भी क्या चिंती है, जरा बात को ध्यान से सुनो, अभी हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम एक और काम उनके लिए करो, उसके बाद तुम्हें ये सोना, तो क्या इनसे डबल सोना दिया जाएगा? फिलहाल भाई मैं इसको साफ मना कर देता हूँ, देखो चाचा मैं काम किसी के कहने पर नहीं करता, अगर मेकर मेरे को बोलेगा तो मैं सोचूं काम के लिए, मैं कोई ऐसा 2 रुपए का बंदा नहीं हूँ किसी के लिए भी पैसे के लिए काम कर लेता हूँ, मेरी मर्जी की बात होती है। और मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए नहीं आया भाई, मैं डायरेक्ट कभी पार्टी से बात नहीं करता, मेकर एक तरीके से आप ब्रोकर बोल सकते हो, मतलब वो मेरे लिए काम लेकर के आता है, मैं कभी डायरेक्ट क्लाइंट के पास नहीं जाता, तो इसलिए भाई ये काम तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरे को उसके अलावा किसी का भरोसा नहीं है, ये नहीं होगा। बस सोना गाड़ी में रखो, हमें दोनों को जाना यहाँ से जल्दी है। ट्रेवर जैसी तुम्हारी मर्जी, बॉस ने फिर हमें ये भी बोला है अगर तुमने काम करने से मना कर दिया तो ये सोना तुम्हें नहीं दिया जाएगा, आराम से यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो फिर हम गोली भी चला सकते हैं अगर तुमने ज्यादा जबरदस्ती करी तो। ये तो कोई बात नहीं होती भाई, बड़ी बदतमीजी वाला काम है। फिलहाल मेकर को फोन करता हूँ, मतलब बंदे बोल रहे हैं कि अगर मैं इनका अगला काम भी नहीं करूंगा तो मेरे को पुराने काम के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। मैं तो मेकर को फोन करूंगा, भाई मैंने तेरे कहने पर सारा का सारा काम किया था, और अगर अभी ये बंदे मेरे को पैसे नहीं देंगे तो मैं तो तुझसे पैसे लूंगा ना, सीधी सी बात है, मैंने उससे कहने पर ट्रक चोरी करे थे बाकी काम किए थे, और अगर मेरे को अभी उसका पैसा ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं उसको फोन करूंगा। भाई सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा वैल्यू थी उस काम की, उसने पहले ही बोला था मेरे को बहुत पैसा मिलेगा, और उस काम का मेरे को भाई पैसा 60% मिलने वाला था, और ये बंदा आकर के मतलब मौके पे ऐसा काम, और देखो हाथ में पिस्टल लेकर खड़े सभी बंदे, इनको तो सीधा मैं ही करूंगा। मेकर को फोन करके वेरीफाई करता हूँ, मेकर ने साफ साफ बोल दिया है ड्राइवर तेरे को जो अच्छा लगे कर, मेरी तरफ से भाई मेरे पैसे पहुंच चुके हैं, अगर क्लाइंट अभी धोखा कर रहा है तो तेरे को जो अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, तो ठीक है भाई फिलहाल अभी जरा इनका इलाज करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों देखो, अगर तुम लोगों ने मेरे को अभी मेरा सोना नहीं दिया ना तो समझ में आ रहा है ना बहुत बुरा हो जाएगा। टेक्नो गन निकालो भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, गन लेके ले खड़ा हो गया, टेंशन न ले, अभी अगर चली ना तो चला देंगे। फिलहाल देखो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे को मेरा सोना दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, जल्दी बोलो भाई। बंदों ने चला दी गोली, टेक्नो मार 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 खत्म करते इन बंदों को। ये बंदे मतलब हाथ दे प्यार से बात कर रहे हैं तो मतलब सर पे चढ़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं ड्राइवर कुछ नहीं करेगा, हाथ दे भाई सब हाथ दे, ले 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 ले। कहता मैं यार मतलब कोई बात होती है क्या मेरे टेक्नो यार, ये भी ना मतलब यार बदतमीजी करते हैं बंदे, इतना अच्छे से हमने ईमानदारी से काम किया और जब सोना देने की बारी आई, पैसे देने की बारी आई तो पतली गली से कटना चाहते हैं, मतलब पैसा मतलब काम करा लो और पैसे के नाम पे मार डालो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनको पता नहीं है किससे पंगा लिया है, टेक्नो यार थोड़ा टाइम लगेगा बट
सोना हमें गाड़ी में ही डालना पड़ेगा, चल फटाफट से गाड़ी में सोना डालते। भाई मैंने और टेक्नो ने सोना गाड़ी में डाल दिया है, हमें थोड़ा टाइम लगा बट देखो भाई अभी डालना पड़ेगा यार, देखो ऐसे ही डालना पड़ेगा। देखो मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी हम लेकर के नहीं आए थे, अगर कोई बड़ी गाड़ी लेकर के आते तो हम पूरी ट्रॉली को ही रख लेते, बट ट्रॉली हम नहीं रख पाए भाई, हमने सिर्फ सारे के सारी ब्रिक उठा लिए गोल्ड वाली, बस यही काम है और खत्म। वैसे भाई एक बात है, सोना काफी पैसे का होने वाला है, अभी हम जो नया घर लेने वाले थे ना आज उसकी डील होने वाली है तो उसमें काफी आसानी पड़ने वाली है, ये सोने से ना हमें पूरा घर आराम से मिल जाएगा मुझे ऐसा लगता है, हमें पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैंने बंदों को बजाया, इस डील के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजें सोच के रखी थी और पैसे देने से मना कर रहे थे, मतलब सोना देने से मना कर रहे थे, इसलिए मैंने भी खत्म कर दिया। क्लाइंट देखेंगे जो कर सकता है कर लेगा, उसका भी नेता बनाएंगे, एक तो उसने काम करवा लिया और धोखा दे दिया, बहुत पिटेगा। चलिए निकलते और कैरी से पता करते, कैरी काफी टाइम हो गया, पता लगा इस एंथनी के बारे में असली है नकली है क्या चीज है। कैरी से बातें मैंने कर लिए, भाई कैरी मुझे बोल रहा है हाँ ड्राइवर पता लगा, ये बंदा ना पावरफुल है बहुत ही ज्यादा, कभी टेक्नो की बात सच्ची तो नहीं है, देखो उसको कंफर्म तो पता नहीं चला, वो उसकी पावर्स को देख करके एक आइडिया लगा रहा है कि भाई कैरी ना उनसे कुछ बेस के बारे में पता लगाया है, और भाई बेस कोई शरीफ बंद नहीं रखता, आपको पता है कोई प्राइवेट बेस जहाँ पे कुछ मिलिट्री वाले बंदों को बैठा के रखा हो, तो फिलहाल ऐसी जगह पे है बंदे, तो एक काम करते हैं टेक्नो तेरे पास यूनिफॉर्म पड़ी है, अगर पड़ी हो तो मेरे को बता दे, नहीं तो फिर तुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा। भाई ड्राइवर यूनिफॉर्म तो नहीं है, चल कोई बात नहीं मैं गाड़ी में बैठ लूंगा, ये बता जाना कहाँ पर है। भाई फिलहाल टेक्नो के पास यूनिफॉर्म नहीं है बट मेरे पास यूनिफॉर्म है मेरी गाड़ी में, मैं यूनिफॉर्म पहन करके बेस पर निकलूंगा। फिलहाल भाई अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे जाना है। कैरी के हिसाब से वो जो बंदा है ना एंथनी जिसको अभी फॉलो किया था टेक्नो ने, उस बंदे का बेस है एक टनल के नीचे, काफी प्राइवेट बंदे वहां पर है इसके हिसाब से, तो चलिए चलते हैं भाई। और वहाँ पे मिलिट्री वाले बंदे उसने बताए हैं, तो वहाँ भाई असली बंदे हैं नकली बंदे हो तो वहीं पे जाकर के पता चलेगा। मैं एक ऑफिसर हूँ तो बंदे मेरे को नहीं रोकेंगे, मेरे को एंट्री मिल जाएगी, अगर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो फिर वो बाद में दिखी जाएगी, बट यूनिफॉर्म में यार मेरे को शायद से लगता है काम आसान होना चाहिए। भाई मैं और टेक्नो पहुंच चुके हैं उसी जगह पर, फिलहाल मैंने टेक्नो को समझा दिया टेक्नो गाड़ी से बाहर नहीं निकलने वाला, मैंने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया। ठीक है टेक्नो तू गाड़ी में रह, मैं जरा आता हूँ दो मिनट में बंदों की खबर लेकर के, फिलहाल ये गाड़ी में बैठ करके मेरा वेट करेगा, अगर कुछ उल्टा सीधा काम हो गया ये मेरे को हैकिंग करके वैसे भी देखता तो रहेगा, यहाँ पे कैमरा जरूर होंगे और अगर कैमरा हुए तो ये मेरे को देखता रहेगा, तो मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है। तो फिलहाल चलिए भाई ये गेट ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। सामने कुछ ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, इनसे बात करके ही अंदर जा सकता हूँ। हेलो ऑफिसर्स, मुझे आपके बॉस एंथनी से मिलना है, बहुत जरूरी काम के लिए उसने मेरे को बुलाया। मेरा नाम है इंस्पेक्टर हथौड़ा, मैं बहुत खतरनाक हूँ, ट्रेवर हथौड़ा, तुमने नाम सुना ही होगा, वैसे अगर नहीं सुना होगा तो मैंने सुना दिया। फिलहाल आपके बॉस से मुझे मिलना है। देखिए मिस्टर हथौड़ा, फिलहाल बॉस यहाँ पर नहीं है और उनकी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, इसलिए प्लीज आप यहाँ से बाहर निकलिए, नहीं तो मजबूरी में हमें पुलिस को खबर करनी पड़ेगी कि आप बिना वारंट के परेशान किए जा रहे हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर काफी अच्छा एक्शन लिया जा सकता है, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, इसलिए प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारे बॉस की, आप जा सकते हैं। फिलहाल भाई एटीट्यूड लेवल काफी है। ओके ओके भाई, टेंशन की बात नहीं है, आप इतने ऊपर तक क्यों जा रहे हो, क्यों बॉस को फोन कर रहे हो, बॉस को तुमने खुद ही गोली मार दी थी बेटे, तेरे को क्या बोले। तो फिलहाल चलिए भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं, बंदा बोल रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बॉस के यहाँ पे किसी को भी एंट्री नहीं, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, अगर वारंट है तो बात अलग है बट बिना वारंट के अंदर नहीं जा सकते, और भाई वारंट मेरे को मिलेगा नहीं, किस वजह से वारंट मिलेगा, वजह भी तो होनी चाहिए ना सर्च वारंट के लिए, तो फिलहाल वो चीज भी नहीं हो सकती। तो पॉइंट अभी ये है भाई, काश यार ड्रोन होता, एक काम करना पड़ेगा ड्रोन लेना पड़ेगा, फिलहाल हमारे पास ड्रोन नहीं है, हम बहुत कम यूज करते हैं ड्रोन को, ड्रोन से ना अभी हमें यूज करना ही पड़ेगा, अगर मेरे पास मान लो ड्रोन होता तो मैं उसको उड़ा के साइड से लेकर के जाता और पूरे बेस को देख लेता, फिलहाल टेक्नो ही कम यूज करता है ड्रोन को, बहुत टाइम पहले हम पकड़े गए थे ड्रोन को यूज करते हुए, इसलिए तब से इसने मेरे को बोला था भाई प्रॉमिस कर ट्रेवर आज कल ड्रोन यूज नहीं करेंगे सारी चीज यूज करेंगे, बट भाई मुझे लगता है मेरे को इसको मनाना पड़ेगा और दोबारा से ड्रोन को यूज करना शुरू करना पड़ेगा, यार ऐसी जगह पे ना ड्रोन बहुत काम आते हैं सच्ची में भाई, अगर ड्रोन होता तो इनका नेता मैं अभी बनाया था, खरीदूंगा मैं टेक्नो से, चोरी चुप के खरीद लेंगे, टेक्नो यार मना करता है, अगर ये नहीं माना ना तब भी हम तो खरीद ही लेंगे। फिलहाल चल भाई टेक्नो निकलते, इतनी दूर आना वेस्ट हो गया। भाई कैरी से हो चुकी है बातें, अपडेट का तो पता नहीं है, कैरी मुझे बोलता है ट्रेवर अगर तूने जल्दी से काम नहीं किया ना तो तुम दोनों की तो क्या मेरी भी नौकरी चली जाएगी, हम तीनों के तीनों सस्पेंड होकर बैठ जाएंगे और हमारे ऊपर इंक्वायरी चलेगी वो अलग, पता है क्यों, आपको याद है टेक्नो ने ऑफिसर को मारा था, बड़े ऑफिसर को, तो उसका केस चल रहा है भाई अभी तक, क्योंकि अभी तक उसका मर्डरर नहीं मिला जिसने उसको गोली मारी थी, बट भाई एक ऑफिसर है जो काफी हद तक इस केस को सोल्व कर चुका है, उसको टेक्नो के ऊपर पूरा पूरा शक है और शक हथौड़े पर भी आ चुका है, कैरी ने यही बोला है, क्योंकि पूरे भाई पुलिस स्टेशन में यही बातें चल रही है कि सच में हमने कुछ किया या नहीं किया, तो उनके मन में शक आ रहा है, और इससे पहले शक सभी के यकीन में बदल जाए हमें पूरी पुलिस फोर्स को ही मारना पड़े, हम उस ऑफिसर को मारेंगे जो इस केस को लीड कर रहा है, तो भाई मेन ऑफिसर है इस केस का ऑफिसर जोन, और उस जोन का बनाएंगे अभी जा करके हम डोन। फिलहाल ऑफिसर जोन की लोकेशन मिल चुकी है, इस वक्त ना वो एक कॉफी शॉप पर बैठा हुआ है, किसी का वेट कर रहा है मीटिंग के लिए,
तो चलिए भाई चलते हैं, टेक्नो रेडी हो जाए भाई, मास्क लगा ले क्योंकि अब आएगा असली मजा। बंदा को ना इतना बुरा मारेगा उसने सोचा नहीं होगा। ठीक है चल चलते हैं भाई। मैं और मेरा प्यारा टेक्नो पहुंच चुके हैं कॉफी शॉप के पास। तो भाई फिलहाल यही वाली कॉफी शॉप है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे आसपास में कोई भाई, अरे रे रे काफी दूर है भाई रेड लाइट और कॉफी शॉप ये रही फिलहाल। ओह भाई एक सेकंड, ओके देखो एक टकला बैठा हुआ है सामने की तरफ, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। टेक्नो तू एक काम कर, गाड़ियां बैठ रहे मैं जरा सारी चीजों को हैंडल कर गाता हूँ, ठीक है ना? बस यहीं पे रहना बिल्कुल भी, तू गाड़ी से बाहर मत उतरना फिलहाल ना। ड्राइवर एक काम कर आराम से भाई, यहाँ पे मास्क लगा ले और ये बंदा हमें देख ना पाए। देखो यहाँ पे मैं इन दोनों चीजों को हैक करके ब्लास्ट कर सकता हूँ, बट इसकी ब्लास्ट की रेंज जो है ना वो काफी मतलब दूर तक नहीं जाने वाली। और देखो ये बैठा ऑफिसर जोन, फिलहाल ये बंदा ना उल्टी तरफ देख रहा है, यहाँ पर आंटी फोन में बात कर रही है। अगर मैं आंटी के फोन को ब्लास्ट करूंगा तब भी ये बंदा नहीं मरने वाला। और भाई मेरे को इसको ऐसे में दिन दिहाड़े यहाँ पे बहुत सारे कैमराज है, ऐसे नहीं मारूंगा। मानता हूँ मैं फुटेज डिलीट कर सकता हूँ, बट फिर भी भाई रिस्क है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं और ये देख सकते हैं, इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कुछ भी पता ना चले किसी का भी। भाई हो गया काम हो गया भाई, हो गया। कैसे हो गया? इस गाड़ी को मैं हैक करूंगा, अब आएगा असली मजा। आ जा भाई भाई टेक्नो, हो गया काम, आइडिया मिल गया मेरे को बहुत ही बढ़िया। रिमोट कार कब काम आने वाली है? रिमोट कार का नेता बनाएंगे, जैसे कि अपनी गाड़ी करेंगे यहाँ पर खड़ी। इस गाड़ी को हम गाड़ी से हैक कर सकते हैं, बहुत सही। नहीं भाई गाड़ी से उतर गई मैं, शायद इसको हैक कर पाऊंगा। तो फिलहाल टेक्नो तू गाड़ी में बैठ भाई, जरा एक मिनट मेरे को काम है। तो फिलहाल ना अभी हम एक काम करेंगे, मैं इस गाड़ी पे लगाता हूँ स्टिक बॉम्ब। देखो गाड़ी को हम ऐसे ब्लास्ट नहीं कर सकते, तो मैं इस गाड़ी पे स्टिक बॉम्ब डाल करके आराम से इस गाड़ी को उस बंदे के पास में लेकर के जाऊंगा और ये गाड़ी फटेगी और वो बंदा इसके साथ में फट जाएगा। मेरी प्यारी गाड़ी स्टिक बॉम्ब ले रहे, बहुत ही सही। तो फिलहाल भाई ऑफिसर आराम से बैठा हुआ है। चलो भाई तो इस गाड़ी को हैक करते हैं जल्दी से और इस गाड़ी को कैमरा से यूज करते हैं। मैंने आपका रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम पहले भी दिखा करके रखा हुआ है, ये सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगता है। तो फिलहाल ड्राइवर बहुत ही, फिलहाल भाई हमने इसका रिमोट कंट्रोल गाड़ी कर लिया है। अभी इस गाड़ी में कोई बंदा नहीं है, अगर कैमराज में भाई रिकॉर्डिंग भी हुई ना तो सब कंफ्यूज होंगे गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है। तो फिलहाल ना बस मेरे को ऐसा लगता है मैं बंदे के पास पहुंच चुका हूँ। बंदा कहाँ पर है ऑफिसर टकले, ओके भाई ऑफिसर टकला ये रहा, फिलहाल बेचारा बैठा हुआ है गम में बहुत ही ज्यादा। तो भाई टेक्नो एक काम कर, मतलब कि अपने प्यार ड्राइवर एक काम कर, गाड़ी को जहाँ पे लगाना था गाड़ी मैंने लगा दी है फिलहाल, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए भाई चलिए, गाड़ी वहां पर आ चुकी है, बम ब्लास्ट करते हैं और इसी के साथ साथ ऑफिसर भी जाने वाला है, बहुत बहुत सही। तो फिलहाल चलिए भाई जी को एक बार जरा वेरीफाई कर लेते हैं। ओके भाई बंदे यहाँ पे पड़ा हुआ है चेयर पे, बहुत ही बढ़िया। चलिए निकलते हैं बहुत ही सही। तो यार अभी ना फुटेज डिलीट करनी पड़ेगी टेक्नो, फटाफट से एक काम कर फुटेज डिलीट कर देते हैं, बाकी और कोई शक नहीं होगा क्योंकि देखो कहीं पर फिंगरप्रिंट नहीं आने वाले। हम लोग गाड़ी से उतर के कहीं हमने कुछ चीज टच नहीं करी है, अगर कुछ चीज टच करते तो हमारे फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, बट अभी वो कुछ नहीं मिलने वाला। फुटेज तो डिलीट करनी पड़ेगी टेक्नो, फ्रंट से कैमरास को हैक कर फुटेज डिलीट कर और निकलते हैं। भाई पूरे 2 मिनट लगी, बट टेक्नो ने आसपास के जितने भी रेड लाइट पे कैमरास थे जहां से भी फुटेज मिल सकती थी हर एक चीज को डिलीट कर दिया, बात ही खत्म है। और किसी बंदे को हमारे ऊपर शक जाने नहीं वाला क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं भाई, गाड़ी फटी है और गाड़ी में कोई था नहीं, तो बहुत अच्छे से साफ सफाई से मर्डर हो चुका है, परफेक्ट एकदम। चल भाई ड्राइवर निकल, बहुत सही यार, ये वाला काम बहुत अच्छा है ना, हैकिंग कितना मतलब के हमारा काम आसान कर देती है। भाई कैरी का भी हमारे पास फोन आया, कैरी ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो एक काम करते हैं भाई, हम खुद ही पता लगा लेते हैं, हम बेस पे नहीं जा पाए कोई बात नहीं, बट हम खुद भी पता कर सकते हैं कि सच में ये बंदा असली एंथनी है नकली एंथनी है, वो तो अभी पता चल जाएगा। तो फिलहाल चल भाई टेक्नो एक काम करते हैं भाई, हमें कैरी ने इन्फॉर्मेशन ये दी है कि वो बीच पर ना अभी किसे मिलने वाला थोड़ी देर में, तो ठीक है बीच पास भी है, जल्दी से निकलते हैं और जा करके इसको फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे फॉलो करते हैं, इसकी हरकतों से ही पता चल जाएगा ये असली है या नकली है, अभी पता करते हैं। ड्राइवर बेटे जल्दी से निकाल और बीच पर ले ले। भाई मैं और टेक्नो पहुंच चुके, टेक्नो तो गाड़ी में रह भाई ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार आराम से कोई दिक्कत हो, तो आराम से जब भी कुछ दिक्कत होगी मैं तेरे को फोन करके बुला लूंगा, तो गाड़ी स्टार्ट करके रखना, हम भाग सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो भाई ये वहाँ वो बंदा एंथनी, मैं आपको स्नाइपर से जरा दिखा देता हूँ कैसे हम इसको शायद से नहीं देख पाएंगे। तो फिलहाल चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है भाई एंथनी, वही फिलहाल यही है वो बंदा, हाँ बिल्कुल यही वो बंदा है। तो यहाँ पर ये कुछ बंदों से बातें कर रहा है, लिमोजिन में बंदा आता है, लिमोजिन में घूमता है भाई, बड़े शौक है बंदे के। तो फिलहाल चलिए इसको यहाँ पे आराम से बातें करने दीजिए, मैंने बंदे को देख लिया है, देखते आखिर यहाँ पे क्या क्या बातें चल रही है। वैसे एक काम करूँ, ये गाड़ी ना बहुत अच्छी जगह पे खड़ी है, मैं इनकी बातें सुन सकता हूँ फिलहाल भाई, यहाँ से ना मैं इनकी आराम से बातें सुन सकता हूँ। बंदों को मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है, बंदे आराम से अपनी बातें करने में लगे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। और फिलहाल सामने भाई कैमरा नहीं है, लाइट है, नहीं तो मैं आराम से उसको फॉलो मतलब कि चेक कर सकता था। तो फिलहाल अभी एक काम करते हैं, चलिए बातें सुनते देखते क्या क्या बातें चल रही है। काम बिल्कुल ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत अगर होगी तो मेरे को फोन करके बता देना, बिल्कुल भी उनको शक नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना? और फिलहाल मैं अभी FI बिल्डिंग में जा रहा हूँ, मेरा वहां पे बहुत जरूरी काम है, मुझे वहां पे जा करके उन तीनों की डिटेल्स निकलवानी है। बिल्कुल भी लेट मत करो, वो तीनों बहुत खतरनाक है, समझ में आया ना? उनको इग्नोर मत करना। सब ये तीन तीन बंदों की बात कर रहा है बार बार,
कभी हमारी बात तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि हम भी तीन है और ये कह रहा तीन बंदों को शक नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही काम चल रहा है, नहीं चल रहा, कभी इन बंदों को हमारे मारने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे दिया। अब तो भाई मुझे भी लग रहा है सही में एंथनी है, ये सही में एंथनी है। तो फिलहाल इस बंदे ने बोला मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल के जाने वाला हूँ। भाई टेक्नो मजा आने वाला है, मुझे लगता है यही एंथनी है जिसको हम इतना टाइम से ढूंढ रहे थे ना, यही वो बंदा है। तो फिलहाल चलिए FI बिल्डिंग में जाएगा, इसको फॉलो करता हूँ, इसका मतलब वहां से इसको हमारी इन्फॉर्मेशन देगा कोई बंदा FI बिल्डिंग में, इसका मतलब कोई ऑफिसर है जो एंथनी के लिए काम करता है, करप्ट ऑफिसर। हम वैसे कौन से ईमानदार है, हम भी पैसों के लिए उल्टा सीधा काम करते हैं, बट फिलहाल फिर भी कोई तो है बंदा जो हमारे खिलाफ इसको इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। वेट करते हैं और इसको फॉलो करेंगे। भाई हमारा प्यारा एंथनी चल पड़ा है अपने लिमोजिन को लेकर के, और रॉकेट बना के रखा हुआ है लिमोजिन का। भाई बड़ी गंदी गाड़ी चलाता है बंदा। अबे ये गाड़ी रॉकेट बनाने वाली नहीं होती भाई, इसको आराम से चलाने के लिए होती है। सही में यार कुछ बंदों कितना ही सिखा लो वो कभी नहीं सीख सकते। तो चलो 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 भाई फॉलो करते हैं। FI बिल्डिंग में जा रहा है, मतलब मेरे को पता ही है और आपको पता है FI बिल्डिंग जो मेज बैंक बिल्डिंग आपको दिख रही है उसी के पास वाली, मतलब कि साइड वाली बिल्डिंग ही FI वाली बिल्डिंग है। तो फिलहाल थोड़ा टाइम तो इस बंदे को लगने वाला है, कोई बात नहीं, जितना भी टाइम इसको लगना चाहिए उतना ही ले लेगा बंदा, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अगर मैं फोड़ना चाहूँ तो शायद ऊपर की लाइट भी ब्लास्ट कर सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें चीज़ करनी नहीं है, अभी हैक बाद में करेंगे, अभी हैक की सब जरूरत ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं फ्री में भाई चक्कर में पड़े। इस गाड़ी को वैसे हम रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं सामने वाली गाड़ी को, बट अगर मैंने ऐसा किया ना तो इस बंदे की गाड़ी हैक हो जाएगी, फिर गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सारा काम खराब हो जाएगा, वो फिर कभी क्या करेंगे। मान लो कोई बंदा अगर फॉलो कर रहे हैं जिस बंदे को हम भाग गए, उसको पकड़ना है तो उसी गाड़ी को हम हैक कर लेंगे ताकि वो बंदा गाड़ी को चला ही ना पाए, उसी गाड़ी को हम चलाएंगे। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं FI बिल्डिंग पे, बंदे ने सामने अपनी गाड़ी को पार्क करके रखा है। ड्राइवर एक काम कर भाई, मास्क उतार ले और अंदर की तरफ निकल। टेक्नो यार तू गाड़ी में बैठ रहा है क्योंकि तेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, मैं FI बिल्डिंग में निकलता हूँ, यहाँ पे आराम से ऑफिसर आ जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और ड्राइवर है थोड़ा पूरा फेमस है FI में भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ऊपर जाता हूँ और चेक करता हूँ कौन है इसका खबरी, कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन देने वाला है, क्योंकि अभी तक ऊपर से उतर कोई बंदा नहीं आया, इसने शायद से कॉल कर दी होगी, तो कोई ना कोई बंदा जरूर उतर के आ रहा होगा इसको फाइल देने के लिए हमारे बारे में या किसी और के बारे में। देखो सर तीन बंदे बोले, नाम नहीं बोले, बट मेरे को एक आइडिया लग रहा है। फिलहाल रिसेप्शन पे पूछने की जरूरत नहीं है, और वैसे सीधी सी बात है ऑफिसर को यहाँ पे कोई भी मना नहीं कर सकता आने के लिए, और हथौड़ा भाई बहुत फेमस है, उल्टे सीधे काम मानता हूं मैं करता हूं, बट फिलहाल हमने थोड़ी सी इज्जत भी बना के रखे पुलिस वाले में, वो तो खैर भाई मिलिट्री वाले फिर प्राइवेट बंदे थे जिन्होंने मेरे को आने नहीं दिया, और सीधी सी बात है मैं ज्यादा वहां पे जबरदस्ती नहीं कर सकता था क्योंकि एक लिमिट में रहकर ही पुलिस वाले काम करते हैं। अगर 1% भाई मान लीजिए वहां पे जबरदस्ती करता तो मेरे सीनियर्स वो कॉल कर देता और फिर जॉब पे खतरा होता। खुल जा सिम सिम, ऊपर की तरफ निकलते हैं। भाई फिलहाल मैं ऊपर की तरफ आ चुका लिफ्ट से, बहुत सारे बंदे हैं, अब यार पता कैसे चलेगा कि आखिर कौन सा वो बंदा है जो करप्ट है जो फाइल लेकर के जाने वाला है। देखो यहाँ पे काफी बंदे खड़े हुए हैं जो कि भाई चेक कर रहे हैं कुछ चीजों को, कुछ डेटा चेक कर रहे हैं। अभी देखो यार फिर मेरे को ना वेट करना ही पड़ेगा, मेरे को लगता है मेरे को ऊपर आकर के फायदा नहीं हुआ, कोई बंदा भी हो सकता है भाई, अब किसके ऊपर शक करूं, यहाँ पे तो बहुत बहुत सारे बंदे हैं भाई, कोई भी इनमें से वो करप्ट बंदा हो सकता है मेरे खिलाफ जो यहाँ पे सबूत इकट्ठे करने में लगा हुआ है। तो फिलहाल चाचा ड्राइवर एक काम कर भाई, नीचे निकल पड़ते हैं, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई फायदा होने वाला आने का, मैंने सोचा था कम बंदे होंगे बट यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बड़ी टीम आ करके रखी है। आप देख रहे हो पूरा का पूरा भाई ऑफिस फुल पड़ा हुआ है, एक भी जगह खाली नहीं है, और यहाँ पे तो सारे बंदे कोई रेस्ट पर है, कोई काम कर रहे हैं, और एक बंदे मतलब कि दो बंदे यहाँ पर है। तो ठीक है भाई वेट ही कर लेते हैं, और इसको देखो नमूने को, अबे तेरा फोन ब्लास्ट कर दूंगा, मतलब भाई सेल्फीज लेने में लगा हुआ है बंदा। तो फिलहाल नीचे की तरफ ही निकलते हैं और देखते हैं आखिर कौन सा ऑफिसर उससे बातें करने के लिए आने वाला है। ऊपर आने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है भाई। सामने जो टकला खड़ा हुआ है, थोड़ी देर के बाद मैं नीचे तो आ ही गया था, एक गंजा ऊपर से उतर के आया है, इस बंदे ने इसको फाइलें दे दी है, मैंने देखा अपने सामने ही। तो फिलहाल चलिए जल्दी से निकलते हैं, दोबारा फॉलो करते हैं, और अब देखते हैं फाइल को लेकर के कहाँ पे जाने वाला है। फाइल में जरूर हमारे बारे में डेटा है या नहीं है वो अभी पता चल जाएगा। टेक्नो भैया जी चलिए, बंदे को दोबारा फॉलो करने का टाइम आ चुका है, फाइल इसको मिल चुकी है, अभी आएगा असली मजा। भाई मुझे लगता है मुझे अब की बार इसको अकेले ही फॉलो करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि अभी फोन आया हमारे पास ओनर का जिससे हम घर खरीदने वाले हैं। टेक्नो को इसका मतलब वहां पे भेजना पड़ेगा क्योंकि भाई उसको पैसे चाहिए। वो बंदा बड़ा अजीब है यार, उसने बोला था कि भाई साहब मैं पहले पैसे लूंगा उसके बाद घर आपको मिलेगा, घर के फोटोज हमने देख के रखे हैं और पैसे का अरेंजमेंट भी हो चुका है। तो भाई मैं नहीं चाहता हमारे हाथ से बिल्कुल भी डील चली जाए। टेक्नो तो एक काम कर, अबे किसका उंगली दिखा रहा है बे, ये टेक्नो मेरा मजे ले रहा है। तो फिलहाल भाई इससे अच्छा मतलब कि अगर हमारे हाथ से घर चला जाएगा मेरे को बहुत दुख होगा। टेक्नो तो फटाफट से जा ओनर के पास, ठीक है यहाँ से रास्ते से कोई गाड़ी उठा ले, ओनर के पास जा, उसको पैसे वैसे दे, सोना दे दे उसको जो हमने लिया था, और डील फिक्स कर, मैं जब तक इस बंदे को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। भाई फिलहाल अपना प्यारा ड्राइवर यहाँ से निकल चला है क्योंकि भाई उसको फॉलो करना है। तो ठीक है चलिए हम लोग जा करके डील फिक्स करते हैं घर की, घर बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ सकते थे। फिलहाल गाड़ी मैंने अनलॉक कर लिया, बाइक नहीं है, बाइक चलाने में ज्यादा मजा आता है। टेक ने भैया चलिए, तो देखते हैं आखिर भाई एंथनी कहाँ तक जाएगा, वो ड्राइवर बता देगा फोन करके थोड़ी देर में। जब तक मेरे को निकलना है जगह पर, मीटिंग पॉइंट पर जहाँ पे हमें प्यारा घर का ओनर मिलने वाला है, उसको जाकर के वहीं पैसे दूंगा या फिर उसको सोना। यार वैसे सोना तो ना हमने अलग जगह पे रखा हुआ है, तो एक काम करेंगे, फिलहाल भाई सोना हमने रख दिया था, आप ऐसा मत सोचना कह रही है जब हमें फोन करा था हम सीधा एकदम से
आ गए थे पुलिस वाले को मारने के लिए। सोना हमने पहले रख दिया था टॉर्चर रूम में, उसके बाद ही हम आए थे। सोना अपने साथ में लेकर घूमना बहुत रिस्की होता है, गाड़ी में अभी सोना नहीं है, कभी आप सोचो हमने सोना नहीं रखा, हमने वो तुरंत तभी रख दिया था। भाई मैं पहुंच चुका हूँ, ओनर ने यही जगह बोली थी भाई मिलने के लिए। ओके लो भाई, वाह भाई देख रहे हो भाई इसके पास भी लिमोजिन बड़ी आम हो गई है। वैसे ये ना बंदा सूट नहीं कर रहा लिमोजिन में बैठने वाला। हेलो मेरे प्यारे चाचा, तो हमने ये आपसे घर की बातें करी थी, आप देख रहे हो ये है भाई हमारे घर का ओनर जिससे हम घर लेने वाले। देखने में तो अजीब ही लग रहा है नमूना। तो सर आपको मैं एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूँ, आप देखो कैश की डिमांड कर रहे हो, आपको अगर मैं कुछ स्पेशल चीज दूँ जो आप बिल्कुल ही मना ना कर पाओ, और एक बात बताऊँ उसकी वैल्यू डबल होगी, आपको 25% पैसा फालतू ही मिलने वाला है, कम नहीं मिलेगा, बताइए आपको चाहिए तो चलिए मेरे साथ में। ठीक है भाई, मैंने तो माल से मतलब है, अब वो कैसे तू देगा, मैं वो ऐसे ही ले लूंगा, अब तो फिलहाल मना लेके चल क्योंकि मना पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, मना छोरी का ब्याह करना से, अब तेरे समझ में आई के बाद। चल भाई जल्दी से ले ले मैंने, जहाँ भी लेकर जागा मैं चला जाऊंगा तेरे साथ में। चाचा तो बड़े देसी है भाई, चाचा जी मजा से उठा दिया आपने तो सची में मन तने। अच्छा चलिए चाचा जी सची में यार कमाल कर दिया, आधी तो बात समझ में आई ऊपर से निकल गई। आओ आओ मेरे साथ आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो फिलहाल चलिए इसको अपने टॉर्चर रूम में लेकर के चलता हूँ क्योंकि मैंने माल वहीं पर रखा हुआ है, तो फिलहाल देखो वहीं से देकर के इसको देना पड़ेगा। बाकी शरीफ बंदे ये कोई लीक नहीं करने वाली हमारी जगह, अगर लीक करी तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका सर फोड़ देंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। भाई मैं बंदे को लेकर के आ चुका हूँ, आइए सर यहीं पे हम आपको दिखाएंगे मतलब कि आपको पैसा मिलने वाला है। और हाँ एक बात और सर, अंदर एक बंदा बंद के रखा हुआ है, उसको आप इग्नोर करिएगा, आपको पता है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए हम यहाँ पे बंदों को टॉर्चर करने के लिए लाते रहते हैं, आप जरा डरिएगा मत, ठीक है ना। आ जाइए अंदर की तरफ, आ जाओ फिलहाल फटाफट से आ जाओ। हेलो बेटा कैसा है, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल आप इसको भूलना मत, ये वही नमूना है जो एंथनी का मतलब कि बंदा था जो इसके लिए कार्ड लेकर के भाग रहा था टेक्नो का, इसको आज तक बांध के रखा है, जब तक एंथनी मिलेगा ये हमारे पास ही रहेगा। देखिए भैया क्या कर दिया इसने, ये तो बड़ा खूंखार सा लग गया मैंने भाई, मेरे को डर लग रहा है इससे, अब जल्दी से मरे मरा माल देते फिर मरे निकलना भाई, दिखे बहुत लेट हो रहा है। सर दे रहे हैं कंट्रोल तो कीजिए, आप थोड़ा कंट्रोल करो, मेरे को आधी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा सर देखिए ये रहा आपका सारा का सारा सोना, मैं आपको कैश की जगह अगर गोल्ड दूं तो कैसा रहेगा। तो फिलहाल भाई हमने सारे सारे यहाँ पे छोटी ट्रॉली में सोना लगा दिया, हम तो वैसे ही लेकर गए थे, हमारे पास भी ट्रॉली थी तो हमने यहाँ पे लगा दिया सारा सारा सोना। आप बताइए सर, देखिए आपका फायदा है, जितना आप पैसा मांग रहे हो ना ये 25% ज्यादा है, हम बस आपको दे रहे हैं, आप क्योंकि बहुत अच्छे बंदे हो, बताइए आपको कैसा लगा, ये सोना ले लीजिए, आप फोन कर लीजिए अपने घर से, जो कोई भी बंदा आपके मतलब साथ में आएगा वो लेकर के आपको चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर तो आप मुझे फोन करिएगा या फिर ड्राइवर सर को फोन करिएगा, वो हमारी प्रॉब्लम है, ये कैश मतलब कि ये सोना एक नंबर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना, आप इसको ले जा सकते हो, बाकी हम तो है ही ना। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे आदमी से, मैं फोन देता हूँ मेरे गार्ड्स को, तुम्हें वहाँ पे कुछ गार्ड्स भी मिल जाएंगे मेरे घर पे, तो वहाँ पे जा करके उनसे बातें कर लेना। तो ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है, आप जल्दी से सामान ले लीजिए। तो ठीक है भाई, मैं ड्राइवर को फोन करके बोल देता हूँ कि भाई डील अच्छी हो गई है, बंदा मान चुका है सोने के लिए, अभी बहुत बढ़िया बात है, अभी थोड़ी देर में फिर हम घर चलेंगे, बस जैसे ही ड्राइवर फ्री हो जाएगा फिर हम घर चलेंगे। तो ठीक है फोन करके इसको बता दे टेक्नो भाई जल्दी से। भाई फिलहाल ड्राइवर के पास फोन आ चुका है, टेक्नो ने सारी बात बता दी है कि हमने डील कर लिया, घर मिल चुका है, थोड़ी देर में घर को देखने के लिए चलेंगे। तो ठीक है भाई थोड़ी देर में घर को देखने के लिए चलेंगे, फिलहाल अभी देखना यह है कि बंदा आखिर कहाँ जा रहा है, काफी टाइम से ड्राइवर को थकाने में लगा हुआ है। ड्राइवर भाई कोई टेंशन नहीं है, इसका नेता भी बनाएंगे, कितने ज्यादा भाई मतलब कि मोशन ब्लर काम कर रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे, बट फिलहाल ऐसा करता है वो, बट कुछ ज्यादा ही कर रहा है क्योंकि गाड़ी पूरी ब्लर हो गई है अपने ड्राइवर की तरफ। फिलहाल चलिए भाई, अरे तो अपने घर पर आया, चलिए कोई टेंशन नहीं है, अभी इसका भी नेता बनाएंगे, घर पर आया ना, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब फाइल लेकर घर पर आया और बंदा भाई घर के अंदर चला भी गया, बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल एक काम करते हैं, जैसे कि टेक्नो ने इसको जा करके देखा था, हम भी जा करके देखते हैं आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। क्यों ना भाई एक काम करे, मैं टेक्नो को फोन करता हूँ, टेक्नो एक काम कर कैरी को बुला ले और तू भी मेरे पास आ जा, अभी बहुत हो गया इसको फॉलो करना, अभी अपने मतलब कि भाई इस शक को दूर करने का एक ही तरीका है, इस बंदे को हम किडनैप करेंगे। और किडनैप कैसे करेंगे, मैं यूनिफॉर्म चेंज कर लेता हूँ, मास्क लगा लेता हूँ, उन दोनों बंदों को बोलूंगा मास्क लगा के आए, टेक्नो और कैरी को मास्क लगा के सारे सारे यहाँ पे काम करेंगे, इसको किडनैप करके लेकर के जाएंगे टॉर्चर रूम में और इसे वहीं वेरीफाई करेंगे। अगर ये सच्चा निकला तो बहुत बढ़िया, ना निकला तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि भाई हम इसको मारेंगे नहीं, फिर ये पंगा लेना चाहते, मास्क लगा के मारेंगे, किसी को पता भी नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर इसको फेस दिखा देंगे तो फिर मजबूरी आ जाएगी इसको मारना। तो ठीक है भाई चलिए, 2 मिनट में दोनों के दोनों मेरे भाई आने वाले हैं गाड़ी को लेकर के, उसके बाद करेंगे हंगामा। मेरे प्यारे चाचा एंथनी अभी खुद ही पता कर लेते, बहुत हो गए इसको फॉलो करना, टॉर्चर रूम में खुद ही बोल देगा हाँ या ना, ये है या नहीं है, पता तो कर ही रहेंगे हम, थोड़ा वेट करते हैं आने दो, जब तक मैं चलो गाड़ी से जाकर के यूनिफॉर्म चेंज कर लेता हूँ। भाई मेरे प्यारे दोनों के दोनों भाई आ चुके, ले गए भाई अपनी प्यारी सी गाड़ी को, फिलहाल
ये दूसरी वाली है, वो दूसरी वाली है, एक और हमने ऐसी ले ली, ये भी काफी अच्छी लगती है। अभी करते हैं हंगामा अंदर की तरफ चल के। टेक्नो रेडी है ना भाई? अब की बात तो टेक्नो बैठ गया पीछे मशीन गन में, सारा का सारा काम करेंगे। हम तीनों ने मास्क लगा लिया, टेक्नो ने लगा लिया, कैरी ने लगा लिया, मैंने मास्क लगाना काफी जरूरी है, बिना मास्क के यहाँ पे हम बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाले भाई। थोड़ी सी मौत मिलने वाली है, आ जाओ ये लो मेरे प्यारे टेक्नो भाई, मार खत्म कर। अरे भाई बड़े घटिया गार्ड साहब, देख रहे हो इनके पास वेपन्स नहीं है, बिना वेपन्स ऐसे खड़े करके रखे हुए, कैसे घटिया गार्ड से। टेक्नो खत्म करते तुम जब भी मार भाई, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते बंदे कुछ भी करे। बड़े डरपोक बंदे भाई, खड़े खड़े भाग रहे और कुछ तो खड़े हुए हैं, सोच रहे कि हमें नहीं मारेंगे। अबे क्यों नहीं मारेंगे, हम तुम्हें सभी को मारेंगे। अरे भाई साहब तो फिलहाल चलिए भाई, हमने बंदे मार दिए हैं, बताए पॉइंट क्या है, वेपन्स नहीं है बंदों के पास में। बस 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 टेक्नो बस मर गया, वो मर गया भाई, ओ भाई मर गया भाई, क्यों उस पर गुस्सा उतार रहा है, मर गया वो, नेता बनाएगा उसका, क्यों मोहल्ले वालों को डराने में लगवाए। मैंने सोचा था बंदों को मारने बड़ा मजा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कद्दू भाई कुछ भी नहीं हुआ, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो फिलहाल चलिए एंथनी घर से निकाल के लेकर आते हैं, घर से बाहर वो नहीं गया, घर के अंदर छुप करके बैठा होगा, और सीधा उसको लेकर के चलते हैं टॉर्चर रूम में। टेक्नो भाई आ जाओ, बहुत अच्छे से आपने काम करा, फिलहाल ये लो भाई तो ऐसे ही खड़ा हुआ, चल ठीक है मैं लेकर के आता हूँ ये वीना भाई। भाई इस बंदे से सारी की सारी बातें पता कर ली है भाई, सही में वैसे थोड़ा गलत काम हो गया हमसे, क्योंकि ये बंदा असली एंथनी नहीं है, इसे सारी बातें कर ली है। ये बंदा एक ड्रग डीलिंग करता है, ये तीन बंदे कुछ और अलग बातें कर रहा था, वो तीन बंदे इसके कुछ दुश्मन है, उनमें से एक तो इसका भाई है, भाई अपने ही भाई को मारना चाहता है ऐसा बंदा है। और फिलहाल पता है FIB से सिर्फ कौन सी फाइल मंगाई थी, इसके ऊपर काफी बड़ा ड्रग केस चल रहा है जो कि उन तीनों बंदों ने लगाया था, उस ड्रग केस की फाइल को इसने निकलवाई थी चोरी से उस FIB बंदे को पैसे खिला करके, ताकि इसके ऊपर जो केस चल रहे हैं वो हट जाए और फाइल ही नहीं निकले। तो भाई इसने ये वाला काम किया था, और फिलहाल ये चीज़ हमने वेरीफाई भी कर ली है फ़ोन करके, ये बंदा सही बोल रहा है, वो एक ड्रग की फाइल ही थी। मैंने अभी फ़ोन लगाया भाई FIB में, आपको बताया मेरे कुछ बंदे हैं जानने वाले, फिलहाल मैंने सोचा था मैं रंगे हाथ तो उसकी फाइल खुद चेक करूंगा, नहीं तो मैं पहले ही उसको पता लगवा सकता था, बट फिलहाल मैंने अब वेरीफाई करा इसकी बात को। तो भाई सही बोल रहा है, इसके ऊपर ड्रग्स का काफ़ी बड़ा केस चल रहा था और उस बंदे ने उसी चीज़ की फाइल इसको दी है। तो फिलहाल भाई अपना एंथनी नहीं है, चलो अच्छा हमने मास्क लगा के सारा काम करा, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। टेक्नो और कैरी भाई बड़ी मेहनत करी तुमने भी यार, सारी चीज़ पता भी लगा इस बंदे के बारे में, बट फाइनली क्या पता चलता है बंदा एंथनी है ही नहीं। चलो ठीक है छोड़ दे भाई इसको, कैरी छोड़ दे इसको यार, चल फिर चलते हैं तीनों के तीनों भाई, हमारा नया घर हमारा वेट कर रहा है, चलो घर देखने के लिए चलते हैं। चल भाई ठीक है, देखो एक बात और बता दूं मैं एंथनी, आज मतलब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ भूल जाओ, अगर आगे तुमने कुछ प्रॉब्लम देने की कोशिश करी तो आज तो तीनों ने हम तुम्हें बांधा ही सिर्फ आराम से, कल ख़त्म भी कर सकते हैं, इसलिए आज तुम्हारे साथ जो हुआ इसके बारे में किसी को मत बताना, सोचो ये कुछ हुआ ही नहीं है, नहीं तो समझ रहे हो ना हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, खत्म कर देंगे, चलो तुम यहाँ से जा सकते हो भाई। भाई एंथनी को हमने छोड़ दिया है, फिलहाल यहाँ से जा चुका है, और उसको यही बोल दिया कि आगे से गाड़ी का नंबर प्लेट अच्छा सा ले ले, एंथनी नाम का मतलब, क्योंकि उस नंबर प्लेट के चक्कर में तेरे साथ सब कुछ हुआ है, अगर उसका नंबर प्लेट एंथनी नहीं होता तो टेक्नो उसको फॉलो नहीं करता और ये कुछ भी नहीं होता। तो फिलहाल टेक्नो आराम से पीछे बैठा हुआ है, हवा लेने में लगा है। तो फिलहाल भाई ये गाड़ी हमने ले ली है, अपने नए घर पर निकलते हैं, मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगा भाई A to Z, क्योंकि जब मैंने उसको देखा था ना मेरे को बहुत अच्छा लगा था। फिलहाल सारी डील हो चुकी है, अरे रे 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 क्या यार ड्राइवर तू भी, तो मतलब फिलहाल जब मैंने उसको देखा था मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही बढ़िया था। फिलहाल डील भी सारी हो चुकी है, बंदे को सोना मिल गया, बंदा खुश हम भी खुश, पहुंचते हैं जल्दी से चलो जगह पर। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, तो फिलहाल अपना प्यारा कैरी तो भाई पहुंच चुका है ऊपर मशीन गन पे, अरे भाई किसी का मारना नहीं है, नया घर देखने के लिए आए, क्यों सिक्योरिटी वाले को डराने वाला है। फिलहाल यहाँ पे कुछ गार्ड्स भी है भाई जो कि हमें फ्री में मिलने वाले हैं, उस बंदे के थे, तो ये बंदे ने बोला आप इनको रख लीजिए, पैसे दे दिया करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी है भाई, अब ये गाड़ियाँ हमारी है, उस बंदे ने बताया नहीं यार, ये बंदा बहुत अच्छा निकला भाई, इसका मतलब गाड़ी मिली है, अबे कैसे डर रहा है, डरपोक गार्ड नए मालिक आ चुके हैं घर में। तो फिलहाल भाई ये है आज से हम तीनों का नया घर, अभी मतलब हमें छोटे मोटे घर में रहने की जरूरत नहीं है, पैसा हमने इतना अच्छा कमा के रखा हुआ है। पुलिस वाले पूछेंगे पैसा कहाँ से लाए, बोल देंगे पैसे की कमी नहीं है, चुपचाप बस ध्यान से हमने इतनी अच्छी ईमानदारी से नौकरी करी है, कोई गिफ्ट दे देता है किसी बंदे की हमने जान बचाई थी उसने हमें गिफ्ट दे दिया, कुछ ही बोल देंगे। फिलहाल भाई बहुत ही बढ़िया, आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, गार्ड से बाद में मिलेंगे। तो फिलहाल घर भाई बाहर से आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको जरा अंदर से घर दिखाऊंगा। तो फिलहाल काफी बंदे थे, कैमराज भी यहाँ पे लगे हुए, और अपने घर के कैमरा को मैं बिल्कुल नहीं फोड़ूंगा, देखते हैं भाई फुटेज यहाँ पे बड़ी काम आने वाली है। तो आ जाओ भाइयों घर के अंदर निकलते हैं। तो फिलहाल भाई ये मेंशन घर से बहुत अच्छा है, मतलब घर के अंदर से काफी अच्छा है, इसके अंदर ना हमें टॉर्चर रूम भी देखने को मिलेगा, बहुत ही सही है। तो फिलहाल चलिए पहले ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सामने घर के अंदर घुसते ही बहुत ही बड़ी सी एकदम VIP डाइनिंग टेबल हो गई, यहाँ पे आराम से खाना खाओ, पूरे के पूरे मजे से हम खाना खाने वाले हैं। फिर सामने ही हमारा मस्त रूम, खेलने का रूम, एंटरटेनमेंट रूम, यहाँ पे मेरा प्यारा कैरी और टेक्नो जब चाहे गोल्फ खेल सकते हैं,
बहुत ही बढ़िया भाई ये घर है, आप देखो फिर सामने सोफा पड़ा हुआ है और सामने टीवी भी शायद से होगा, क्योंकि भाई टीवी भी है दो तरफ, यहाँ पे कैरी बैठ जाएगा, यहाँ पे टेक्नो, सबके अलग अलग टीवी, के टेक्नो यहाँ से बैठ के इस टीवी को देखेगा, कैरी यहाँ से बैठ के इस टीवी को देखेगा, दोनों के अलग अलग टीवी, अलग अलग शो चलाओ, अपनी अपनी पसंद की बात है। तो फिलहाल चलिए भाई यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं, मतलब घर के पीछे की तरफ जा सकते हैं अगर किसी को जाना हो, मतलब फ्रंट से और पीछे काफी गेट्स है। और ये जो देख रहे हो भाई खाली मेंशन अपना नहीं है, ये पूरा का पूरा जो पीछे आप देख रहे हो ना, खेती भी, ये भी अपनी है भाई, ये पूरी जमीन अपनी है, इसीलिए तो मेंशन मैंने लिया है आराम से यहाँ पे भाई, सुबह सुबह मतलब खेत में टहल लो अगर आपकी टहलने की मर्जी हो तो। फिलहाल चलिए दोबारा से अंदर इधर निकलते हैं, मैंने लगता है आपको ग्राउंड फ्लोर पूरा पूरा दिखा दिया, नहीं लगता शायद से कुछ मिस हुआ है तो। ओके फिलहाल भाई ये वाला रूम चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बेसमेंट है, ये टॉर्चर रूम नहीं है, ये बेसमेंट किस चीज का है, यहाँ पे बहुत ही पुरानी पुराने जमाने की और महंगे से महंगी वाइन, ये महंगे शौक की जगह है भाई, ये महंगे शौक जब कभी पार्टी हो, हर एक चीज की अरेंजमेंट यहाँ पर है, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने पुराने टाइप की वाइन्स, आपको यहाँ पे सारी चीजों की फैसिलिटी मिलने वाली है, बहुत ही बढ़िया, ये भाई बहुत काम आने वाली है। तो चलिए जल्दी से ऊपर की तरफ निकलते हैं, ये मैंने आपको बेसमेंट दिखा दिया, यहाँ पे मतलब बंदे अपनी अलग अलग तरीके की वाइन्स वगैरह ड्रिंक जितनी भी टाइप की होती है सारी वो रखते हैं पीने के शौक है बंदों को। तो चलिए ये मैंने आपको एरिया दिखा दिया है, अभी इसके ऊपर जो एरिया है, हाँ भाई सिलाई अभी ऊपर निकलते हैं, लगता है नीचे का पूरा पूरा एरिया हो चुका है, दोनों तरफ से आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ जैसे आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हैं, मेरे को लगता है टेक्नो कैरी अपने ही भाई मजे में है, वो अलग अपनी तरफ से देखने में लगे हुए सारी चीज़ों को। फिलहाल चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए यहाँ से देखिए भाई तीन सेक्शन है, यहाँ से बेडरूम मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, सामने वाला बेडरूम हो गया, ये आराम से बेडरूम हम आपसे सो सकते हैं। तो फिलहाल चलिए नीचे की तरफ निकल लेते हैं, मेरे प्यारे भाई यो नीचे ही हो गए तुम, चलो उनको नीचे रहने दो, वो नीचे ही रहेंगे मजे से। और ये है भाई मजे वाला रूम, मान लो कोई हमारा गेस्ट आता है, उसको भाई गैमलिंग करने का शौक है, अलग अलग मतलब किसी भी टाइप का जुआ वो बंदा खेलता है, तो यहाँ पे बैठेगी हमारे रिसेप्शन वाली, एक तरीके का ये हम ऐसा बना देंगे एरिया, अगर मान लो यहाँ पे किसी को खेलना हो तो खेले, और जीतेगा भी हारेगा भी मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई सारी चीज की फैसिलिटी है, तीन पत्ती खेलो कुछ भी खेलो, ये मैंने जानबूझ के घर पे बनवाया था, क्योंकि भाई ये सिर्फ टेक्ना ने बोली थी, यहाँ पे अरेंजमेंट पहले किसी और चीज का था, यहाँ पे नॉर्मल सोफा रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है भाई, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ है, मजे से खेलेंगे, पैसों से खेलेंगे, ऐसे नहीं मजाक में। और ये है भाई अपना ऑफिस, प्यारा सा, यहाँ पर जिसको भी बैठना हो कैरी को टेक्नो को, अब तीनों एक ही है यार, कोई भी बैठ जाएगा कोई टेंशन की बात नहीं। तो फिलहाल चलिए ये मैंने आपको पूरा का पूरा एरिया दिखा दिया है, तो ऊपर और कितनी जगह थी मैं आपको सारी सारी दिखा देता हूँ, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, कभी जल्दी जल्दी मैं मिस कर दूँ। तो फिलहाल ऊपर वाला सेक्शन हमने पूरा देख लिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा टॉर्चर रूम, यहाँ पे एक बहुत खतरनाक टॉर्चर रूम भी है भाई। वैसे देखो यार इतने पैसों में इतना अच्छा घर मिलना बड़े मुश्किल से मिलते हैं ऐसे घर, और सबसे क्या है बहुत अच्छा एरिया है भाई, शांत माहौल, जंगल के मतलब कि शहर के बिल्कुल दूर, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छा एकदम, ना कोई पोल्यूशन ना कुछ, तो इसलिए मैंने इस घर को लिया भाई, ये बहुत अच्छा एरिया है, मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा जा करके, एकदम परफेक्ट ये घर है। तो फिलहाल टॉर्चर रूम इसी सेक्शन में, ओके हाँ भाई टॉर्चर रूम भूल गया, टॉर्चर रूम का रास्ता है किचन से, आपको याद है ट्रेवर का मेंशन, उसका फ्रिज से रास्ता है, इसका भी सेम यही भाई वो है, देखो किचन हमारी कितनी बढ़िया है, यहाँ पे एक असली फ्रिज है और जो एक दूसरा फ्रिज है ना ये है भाई मस्त। और वैसे आप देख रहे हो इसकी जो किचन है ना ये बहुत ज्यादा एडवांस है, ये ज्यादा अच्छी किचन है। नीचे की तरफ निकलते हैं, तो चल भाई ट्रेवर ये है यहाँ का टॉर्चर रूम, बंदा को पीट पीट के सीधा कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले स्टार्टिंग में मैंने सारी चीजें लगवाई है, टॉर्चर रूम उस बंदे से मैंने कह करके बनवाया था, मैंने बोला था भाई देखो हम पुलिस वाले बंदे हम टॉर्चर करते रहते हैं, वही अपना भाया वाला बंदा, उसको इसलिए तो एक्स्ट्रा पैसा दिए 25% ताकि उससे सारे सीन बनवा सके। तो फिलहाल देख रहे हो टॉर्चर रूम, मजा आएगा भाई बंदा को पीटने में, बहुत ही सही है, बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो फिलहाल लगता है टॉर्चर रूम किसी ने यूज भी किया है, खून भी पड़ा हुआ था, और ये अपना सेक्शन है, ये टेक्नो ने बनवाया भाई, क्योंकि आपको पता है टेक्नो और कैरी अलग अलग काम भी करते हैं, वेपन्स का काम करते हैं, और अपना भाई कैरी आपको पता है गाड़ियों का काम करता है, वो चोरी गाड़ी हमारे बेचता है, तो इसलिए इनको इस चीज की जरूरत थी। तो फिलहाल भाई ये दो पार्टीशन इसलिए बनवाया है, तीसरा वाला गेट अभी ये नाम का गेट है, काम का नहीं है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक हमने तीसरी चीज सोची नहीं है, जब हम सोच लेंगे तीसरा गेट भी हम मतलब कि अंदर भी हम कुछ बनवा देंगे, इसलिए लॉक करके रखा हुआ है, अंदर कुछ नहीं है वो खाली है, दो सेक्शन भर दिए, मुझे लगता है तीसरे में हमें वेपन डिजाइन करने चाहिए, वो मैं आपको बाद में फिर कभी देखेंगे, अगर हमारा मन क्या दोनों बंदों ने बोला तो मैं उसको बनवा दूंगा। तो चलिए भाई जल्दी से ऊपर निकलते, तो बताना जरूर भाई आपको हमारा नया मेंशन कैसा लगा, जरूरी नहीं भाई कि अभी इसी में हमेशा रहेंगे, ये एक स्टार्टिंग है, हमारा फर्स्ट मेंशन है, बट भाई फर्स्ट मेंशन भी काफी मजेदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे रहने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, चारों तरफ देखो हरियाली हरियाली, ऐसी जगह पे शांत माहौल में घर बहुत मुश्किल मिलते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है शहर के बीच में इतना ट्रैफिक होता है, हॉर्न बजते रहते हैं, बंदा ठीक से सो भी नहीं सकता, बट यहाँ पे एक इतना चैन सुकून है, सामने मिलिट्री बेस भी है, ये एरिया परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो इसके लिए मैंने ये सारा का सारा, पे कहाँ थे तुम दोनों के दोनों यार,
मैं इतनी देर से ढूंढ रहा तुम दोनों को कैसे आ रहा टेक्न भाग करके। तो फिलहाल भाई मैंने आपको पूरा अपना मेंशन दिखा दिया है, आप बताना जरूर आपको पूरा पूरा मेंशन कैसा लगा। अभी मेरे पास माइकल का फोन आया, बोल रहा है बहुत जरूरी बात तेरे को बतानी है ट्रेवर, आ जा तेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तुम एक काम करो तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं जरा अभी आता हूँ, मेरे को ना फोन करा है माइकल ने, काफी जरूरी बात बताना चाहता है, जल्दी जाता हूँ भाई देखते हैं आखिर क्या बात हो गई है। और माइकल जब भी बुलाता है जरूरी बात ही बोलता है। ठीक है तुम दोनों यहीं पर रहो मैं अभी आता हूँ। भाई माइकल के घर पर पहुंच चुका हूँ। माइकल भैया जी, हेलो माइकल यहीं पर खड़ा हुआ। हेलो माइकल भाई क्या हाल चाल है? अच्छा फटाफट से बता भाई क्यों तूने मेरे को बुलाया यार, तू भी कभी भी बुला लेता, शर्माता नहीं है, बोल क्या बात हो गई है? अबे ट्रेवर बात सुन मेरी भाई, सच्ची यार एंथनी बड़ा चालाक निकला। लास्ट टाइम जिस एंथनी की मेरे को खबर मिली थी ना वो एंथनी नहीं था मेरे को यार, अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स ने बताया। अबे एंथनी कितना बड़ा चालाक बनता है वो ना, कुछ टाइम से मतलब कुछ महीनों से नहीं यहीं पे रह रहा है लॉस सैंटोस में भाई, और यहीं से मेरे को केस दिया जाता है और मेरे को बोलता था मैं शहर के बाहर रहता हूँ। वो ना लॉस सैंटोस में काफी टाइम से है, मेरे बंदे ने भी कंफर्म किया और फिर मैंने उससे एड्रेस मंगाया, तो मैंने एड्रेस ले लिया तेरे को चाहिए, तो तू जा करके मिल ले भाई एंथनी से और मेरे को बता देना असली है नकली। फिलहाल वैसे मेरे क्लाइंट्स ने बोला है, जितने भी बंदों ने बोला है वो बोल रहे हैं बिल्कुल रियल एंथनी यही है, काफी महीनों से यहाँ पर वो रह रहा है और किसी को पता नहीं चलने दे रहा, पता नहीं ऐसा क्यों यार, मेरा क्लाइंट इतना डरता क्यों है इतने पैसे वाला होकर के भी। फिलहाल भाई बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बहुत बड़ा धोखा। माइकल की बात आप समझ भी गए होंगे, एंथनी यहाँ पे कुछ महीनों से रह रहा है, चुपचाप छुप करके किसी को नहीं बता रहा था, फिर से मेरे को एड्रेस दिया एंथनी का, और पता है एड्रेस कौन सा निकला? उसी घर का एड्रेस निकला जिस घर से अभी हमने एंथनी को पकड़ा था, इसका मतलब वही असली एंथनी है, उसने हमसे झूठ बोला भाई बचने के लिए। बहुत चालाक निकला बंदा, मतलब भाई हाथ में आया एंथनी और बच गया, कमाल, क्या मस्त धोखा दिया भाई, क्या मस्त प्लान खेला बंदे ने, टेक्ना धोखा हो गया अपने साथ में। बड़े खुशखबरी भी है भाई, एक खुशी भी है, अब एंथनी का फोटो हमारे पास है, अब एंथनी की शक्ल हमने देख के रखी है, कहां तक भागेगा अब पता चल गया हमें एंथनी कौन है। चलिए भाई जिस बंदे को इतने महीने से ढूंढ रहे थे वो फिलहाल देखो लॉस सैंटोस में कितना चालाक बन रहा था, इसका मतलब हम उसको ढूंढ रहे थे और बंदा हमें जानता था पहले से और हमारे ऊपर नजर रखी हुई थी, इसका मतलब जब बीच में उसने तीन बंदों की बात बोली थी वो हम ही थे, उसने टॉर्चर रूम में सारी बात बदल दी थी बट फिलहाल वो सब झूठ बोला था जान बचाने के लिए। अब बोलता हूँ टेक्नो को, टेक्नो भाई उसकी करंट लोकेशन पता लगा, अब नहीं बचने वाला, कोई बात नहीं जब निकल गया हाथ से अब कहां तक बच के जाएगा, अब तो शक्ल भी हमारे पास में, हर एक रेड लाइट से चेक करेंगे उसे फोटो को निकाल के, अभी उसका नेता बनाते हैं जल्दी से जा करके, अब आएगा असली मजा। टेक्नो को सारी बात बोलता हूँ, जल्दी से हैक करेगा और टेक्नो तो गुस्सा हो जाएगा उसे बहुत ज्यादा। भाई टेक्नो को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, टेक्नो अपने काम पर लग चुका है, थोड़ी देर में उसकी लोकेशन मेरे को बताने वाला है, करेंगे बंदे का नेता बनाएंगे फिर। तो बस मेरे भाई ये फिलहाल इस वीडियो की ये वीडियो कैसी लगी, सारी चीजें कैसी लगी, मेंशन कैसे लगा अंदर से फिर बाहर से बताएं जरूर। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको स्टार्ट कर दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं करा उस पर भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।